कश्मीर को ऐसे ही दुनिया की जन्नत नहीं कहा जाता, ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है जिसका दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हम चाहते हैं ये कश्मीर आप अपनी आंखों से देखें और आपको ऐसा कश्मीर दिखाए जो आपने पहले कभी ना देखा हो। दाचीगाम का तो नाम सुना ही होगा आपने, लेकिन क्या आपने दाचीगाम को देखा है? वो दाचीगाम जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। Hey guys, assalamu alaikum. I hope everybody is doing great and having a good time in their life. Assalamu alaikum guys. Asrar and me are yet again at your service to present you something very exciting. But I have waited for this vlog ke liye, and I'm damn excited today. Exactly. Scene se to pata chalta hoga hum kahin jungle ke beech mein hai. And that is true. Right now we are at the outskirts of Srinagar Dachigam Wildlife Park. जैसा इमाद ने बोला, वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस लास्ट 8 months और अब जाके हमें मौका मिला यहाँ आने का, वी आर रियली एक्साइटेड टुडे। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आपको सिर्फ दिखाएंगे आज। आज का जो व्लॉग है ये तो एक तो देखने के लायक है और जानने के लायक है, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, बट हम लोग ये नहीं दिखाएंगे जो सब लोग देखते हैं। एग्जैक्टली, हम कुछ खास दिखाएंगे, खास ये चीज़ दिखाएंगे। मे बी सम ऑफ यू मे हैव कम ओवर हियर, बट आपकी एक्सेस सिर्फ कुछ इलाकों तक है, कुछ पोर्शंस तक है, बट वी आर गोइंग टू टेक यू डीप डाउन इनटू दिस पार्क। एग्जैक्टली, लेट्स गो टू प्लेसेस यू हैव नेवर सीन। एग्जैक्टली, लेट्स गो। वैसे हमारा प्लान था पहले नज़ीर मलिक साहब से मिलने का, जो हमें थोड़ा जंगल की सैर कराते और थोड़ा हांगुल और ब्लैक बियर से मुलाकात भी। अब आप सोच रहे होंगे ये नज़ीर मलिक साहब कौन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, चलिए वो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा, लेकिन तब तक हम जाते हैं थोड़ी सैर करने। फॉर द फर्स्ट टाइम सेट योर फुट इन द जंगल तो आपको अजीब सी खुशी महसूस होती है, वो खुशी का इजहार कुछ यूं बयान होता है। So now we are just hiking back towards the trail and we are going down the stream. So हमें stream के पास जाना है। I found something. What? तो अभी हमारा प्लान है, हम लोग नीचे जाएंगे, पूरा घना एरिया है जो ट्रेल है, टोटल घना घना। तो देर आर चांसेस दैट वी कैन फाइंड ब्लैक बियर हेयर, क्योंकि अभी गर्मी हो रही है तो ही ट्राइज टू यू नो रेस्ट एट द शेडेड एरियाज, और पहाड़ी के नीचे होता है बिल्कुल। Are you serious about it? Yes, I am. Because I have encountered one black bear when I was hiking up the Mamnet, and it was really raining that time. So similar conditions right now. So same trail. I wish you see one, and I will. And I really want to see one, because it would be great for this vlog.
बिलीव मी, यहाँ सिर्फ इस पूरे जंगल में सिर्फ हम दो है, मी एंड असरार। मैं ये भागने वाली मैं फुटेज उठा रहा तेरी, भागना नहीं होता, यू जस्ट हैव टू काम डाउन, सबमिट योरसेल्फ एंड लेट हिम पास। नो इश्यूज, आई विल कैप्चर यू सबमिटिंग योरसेल्फ टू दैट ब्लैक बियर। ओके, शश, डोंट मेक साउंड, दिस इज अ बियर प्रोन एरिया। नहीं ट्रेल दो भाई, वाला वी आर लूजिंग आवर ट्रेल। नहीं यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं नहीं वी आर नॉट गोइंग, दिस शुड बेंड समवेयर डाउन, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, दिस ट्रेल शुड गो डाउन, वी आर एक्चुअली लॉस्ट ऑन दिस ट्रेल, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes। देखो इफ वी विल हैव अ डीप लेफ्ट कट फ्रॉम हियर, इनके बीच में से आई नो विल बी देयर, बट प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पता नहीं फिर स्टीप होगा, हम लोग नीचे उतर पाएंगे नहीं पाएंगे। ये कृष्णा एयरपोर्ट बोर्न वासन, इट इज गोइंग डाउन, इट इज गोइंग डाउन, कम कम, वी आर फाइंडिंग अ बिट ट्रबल गोइंग टू द स्ट्रीम, बट फाइनली विल फाइंड इट। All right, after walking half an hour down deep in this forest, we are able to find the road. I'm so much happy, actually. Happy and exhausted. I didn't know this side of Asrar, actually. So, exhausted, sir. Nothing else. You are exhausted with fear. Not exhausted with fear. Hey, Barbara, Barbara. Match your camera, calculation key. Oh my God, this is really steep down. Yahan se right nikal. इस पानी से मुंह धोने का मज़ा ही कुछ अलग है, इतना ठंडा है और जितनी भी थकान होती है वो सारी दूर हो जाती है, रियली अमेजिंग। वन थिंग इज क्वाइट क्लियर, इट्स अनटच्ड, सबसे अच्छी बात ये लगी काफ़ी साफ है, एक भी पॉलिथिन, नो लिटरिंग, प्लास्टिक, नो लिटरिंग ओवर हियर। और फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था, मलिक साहब का फ़ोन आया हमारे पास और उन्होंने हमें नीचे बुलाया। मेरी बड़ी दिल की तमन्ना थी उनसे मिलने की, और बिलीव मी आप हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि यह सफ़र हम सब के लिए यादगार होने वाला है। राइट नाउ वी आर गोइंग विद नज़ीर मलिक साहब, तो इनकी कोशिश रहेगी हमें हांगुल दिखाने की, तो देखते हैं कि हम कामयाब होते हैं या नहीं। इंशाल्लाह। चलो अब बैठे बैठे। Kashmir is the biggest valley in the world on this elevation, number 1. We are the richest people in the world, what we have, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है। जो वादी है कश्मीर है, ये वादियों की वादी है, और इस वादी में एक वादी दाचीगाम की जो कौमी पनागा है, एक ऐसी खूबसूरत कौमी पनागा है जो पूरे दुनिया में मशहूर है। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो हमारा एक नायाब जानवर जो हिरण की प्रजाति से आता है, जिसको हांगुल बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कौमी पनागा में पाया जाता है। ना सिर्फ इतना, इसके साथ साथ जो यहाँ की जो प्लांट लाइफ है, जो यहाँ की बर्ड लाइफ है, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, दुनिया में इसका कहीं पे मुकाबला नहीं। तो हम सब से बात करने के बाद शाम के 4 बजे मैं, असरार, मलिक साहब, हम चले अपर दाचीगाम ग्रासलैंड्स की तरफ, जहाँ बहुत प्रोबेबिलिटी होती है हांगुल को देखने की। और मलिक साहब ने बताया ये एक ऐसी जगह है दाचीगाम की जो सबने नहीं देखी, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत है। चलिए आपको भी दिखाते हैं ये साइड दाचीगाम का। I have never seen this place so beautiful. So beautiful. Really. It's a sunset right now. It's amazing, guys. Cool breeze, ghas ki mehak aa rahi hai. Sabse badhiya baat, itni khoobsurat jagah. Yahan pe hamare samne aap dekho. The combination, jo forest ka mila jula hai, the mixed forest. In front of us, the broadleaf is there, the pine is there, the shrubs are there, the high mountains are there. The shapes of the mountains are different. The small mountains are there. The stream is there. The big mountain is there. Beyond the big mountain, the meadows are there. The grasslands are there. So, ये जो मिला जुला combination है, शायद ही दुनिया में आप
ऐसा वातावरण द शेप्स ऑफ द माउंटेन्स देख सकते हो. इसीलिए बोला गया है अगर फिर दोस्त बर्रोई जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त. तो ये ऐसे नहीं बोला गया है. ऑफकोर्स इट इज़ ब्यूटिफुल एंड विद द रिच बायोडाइवर्सिटी. आई जस्ट शो यू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जस्ट Finally, we are ending this vlog. It was pleasure, you know, going out on this hike with Nazir Sahab and Asrar. But today, me and Asrar will not be, you know, ending this vlog. Aaj hum ye vlog khatam karenge Nazir Sahab ki nasihat se. Nazir Sahab, main nasihat to nahi de sakta. Main khud ek student hu, lekin ek aapke samne ek sher pad leta hu. Kuch nahi hai kisi bhi mulk ke paas jitna kuch hamare paas hai. लेकिन सफाई के मामले में हम थोड़ा सा और हमको ध्यान देना पड़ेगा. हम जिस चीज़ को हमें गंदगी समझ लेना चाहिए उसको अभी तक हम नहीं समझ रहे हैं. तो उसके लिए मैं आपके सामने लास्ट में ये शेर कुछ आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ जो पूरा हमारी लोकल लैंग्वेज में है, कश्मीरी में है. वह ऐसा है कि अद जलतलत मोम जामस यद गलत तसीर छुई युथन त्रावक कुंती शाही ژے پن کشمیر کھت ث مکل چپس پاکٹ کش ث کورتس ہور کن چھت ث نیتن کوک بوتل یت لگوت یور کن زا سا نیکھا پانس یہ کوت بوڑ تقسیر جت نا تراوک کن تائی ژے پن کشمیر بلواڑ سی پیٹ موٹ وٹت وچ کیا کرن چھ بیکلس گروٹ گروٹ کران فروٹی ڈبا چون ٹھوٹ لگوون مز ڈلس کھوٹ کرن پنی وراثت زن خرس کل ہیر جت نا تراوک کن تائی ژے پن کشمیر ات زلت لد موم جامس یت غلط تاثیر جت نا تراوک کن تائی ژے پن کشمیر شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ نصیحت ہے, اس میں بہت کچھ کہا نذیر صاحب نے, بس سمجھنے کی چیز ہے. اور ہم سب کو, جتنے بھی کشمیری ہے, جتنے بھی یوتھ ہے, جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ہم لوگ جاتے ہیں اتنے سارے پکنک اسپاٹس پہ, پہلگام, گلمرگ یا جتنے بھی پہاڑوں پہ ہم لوگ ہائیکرس ہیں وہ جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا, ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. تو پلیز آپ اپنے کشمیر کو گندا نہ کیجیے, یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. وی ہیو ٹو سیو اوور کشمیر. اینڈ جو یہ گندگی ہے, یہ ایک سب سے بڑا دشمن ہے اس جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. چلو اینڈ ان دس بلاگ, ٹاٹا, بائے بائے.